Hi there. Welcome back to our another IELTS speaking video. My name is Armo Shist, and in this video, I'm going to talk about the latest cue card that is describe a time you saw child or children behave badly in public. This cue card is in the list of September to December 2020. And if you're going to take exam in the month of September, October, November, or December, you could see this cue card on your test day. I'll also explain in Hindi plus Punjabi so that everybody understands each and every piece of language clearly. So let's begin. Questions are you should say where it was, what the child was doing, how others reacted to it, and explain how you felt about it. It was quite tricky for me to think of a particular situation. Because nothing came to my mind when I read this question, but then I suddenly remembered a time when I was traveling by train. So I have decided to talk about that particular time. It was quite tricky. There are a lot of cue cards that you can start with. show the examiner that sir, when I read cue card, जब आपने बोला कि इस क्यू कार्ड को प्रिपेयर करो सब जब मैंने इसको रीड किया सो इट वॉज क्वाइट ट्रिकी मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था फॉर मी टू थिंक ऑफ कि मैं कौन से सिचुएशन की यहाँ पर बात करूँ बिकॉज नथिंग केम टू माइंड क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया वेन आई रेड दिस क्वेश्चन जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को रीड किया मेरे दिमाग में सर कुछ नहीं आया ट्रिकी था डिफ़िकल्ट था बट देन आई सडनली रिमेम्बर्ड फिर एकदम से मेरे दिमाग में याद आया कि अ टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट कॉन्टिन्यूस इफ यू आर एमिंग टू स्कोर सेवन क्लास अगर आप जनरल ट्रेनिंग जी टी के कैंडिडेट हैं और अगर आप स्कोर करना चाहते हैं ए ट्रिपल सेवन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ देख के आप बड़े आराम से सेवन पॉइंट फाइव सेवन पैन स्कोर आप ले सकते हैं लेकिन एक चीज का ध्यान रखें ग्रमेटिकल स्ट्रक्चर्स की रेंज जरूर दिखाएं जैसे कि पास्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव एक्टिव कंडीशनल्स जितने ज्यादा टाइप्स के सेंटेंसेस दिखा सकते हैं कोशिश करें दिखाएं सो आई वे डिसाइडेड यहां पर है प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बहुत बार कैंडिडेट्स को सुना है हियर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट हियर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट जिसको देखो हेयर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट So, we should change something. Okay, here I have decided to talk about that. This means that I decided present perfect. The train was jam packed with passengers, so I was sweating bullets. There was a woman with her toddler. Initially, kid was sleeping, that said, since everyone was melting therefore toddler couldn't sleep anymore shockingly he began screaming at the top of his voice his mom was trying to feed him mind you the child was rebelling to be perfectly honest this is one of my pet hates when children rebel the train was jam packed jam packed means bhari hui thi ਪ્યોਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੈਮ ਪੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਐ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਐ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੈਮ ਪੈਕਡ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਜੋ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਜੈਮ ਪੈਕਡ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ जो कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको बता दूं मैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका नाम ले सकूं जैसे लखवीर कौर हैं और जशनदीप कौर हैं और हरदीप सिंह हैं एक आई गेस हरदीप सिंह उनके पीछे लहर लगता है आई गेस If I'm not mistaken, so I'm I'm so much thankful to you guys. मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके मैं कॉमेंट्स देखता हूँ और जो लोग कॉमेंट्स नहीं देख नहीं करते हैं sorry और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं मैं उनका भी थैंक करता हूँ उनको भी बहुत मुझे अच्छा लगता है जब कोई वीडियो को मेरी देखता है इतने व्यूज आते हैं सो एम सो मच थैंकफुल लेकिन अगर आप कर सको एक छोटा सा लाइक चाहिए और वीडियो पे कमेंट कर सको तो उससे क्या होता है मुझे हौसला मिलता है सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस सो प्लीज़ लाइक अभी लाइक करें आगे जाने से पहले अभी लाइक करें और अभी कमेंट कर दें पॉज करके अगर अब तक वीडियो अच्छा लगा है तो आगे भी लगेगा सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस एनी वेज एग्जाम्पल में जरूर बताएं कि कौन सा इलाका आपके घर के पास आपके शहर में आपके गांव में जैम पैक्ट है विद डैश

साथ भी आप बोल सकते हैं इनिशियली शुरुआती में स्टार्टिंग में केर वॉज स्लीपिंग सो रहा था बड़े आराम से और मुझे लगा कि हम राइट है केर इज स्लीपिंग हाँ एवरी थिंग इज कूल दैट सैड बट की जगह पर आप यूज कर सकते हैं दैट सैड सेंस एवरी वाज मेल्टिंग। देखिए मैं रेंज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि यहाँ पर गर्मी बहुत थी ट्रेन के अंदर एवरी वन वॉज मेल्सिंग मीन्स हर कोई मतलब पसीने से कोई uh, किस तरीके से अपना रुमाल लेके कोई अपने आप को साफ कर रहा है या कोई किस तरीके से अपना कोई खिड़की के पास जाके अपना शो कर रहा है कि ओ माई गॉड गर्मी बहुत है ओ माई गॉड गर्मी बहुत है गर्मी बहुत है सो एवरी वन वॉज मेल्सिंग इसी मोर सो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मियों में बच्चे नहीं सो सो सकते हैं ज़्यादा सो so बच्चा नहीं सो सकता था करंट यहां पर कुछ नाच की कंट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूं पास्ट के लिए करंट स्लीप एनी मोर शॉकिंगली जब भी कुछ शॉकिंगली होता है तो एकदम से शॉकिंगली रहा हूं शॉकिंगली ही विज्ञान स्टार्ट की जगह पर पास्ट में अगर में बात करूं स्टार्टेड होगा और बिग्न फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट में शुरू हुआ विज्ञान स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाना उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि गर्मी बहुत है गर्मी बहुत है माई गॉड बिकॉज बच्चे जो उनको देर ऑन खेर देर ऑन बॉर्डर वेयर दे आर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस जितना ऊँचा वो चिल्ला सकता था बच्चा आपको पता ही होगा लाइक दैट माई so he was really at the top of his voice his mum. mother ko aap mum. Mum, it's uh, an informal way of saying to mother so ye informal hai so self speaking mein use karein. his mom was trying past progressive again was trying to was trying to feed him feed means khilana so kuch ki koshish kar rahi thi ye khalo mind you ki aap, बच की जगह पर आप माइंड ही यूज़ कर सकते हैं माइंड च यू चाइल्ड वॉज रिबेलिंग रिबैलिंग जब भी कोई बच्चा रिबैल करता है इसका मतलब ये है कि वो उनको जो कुछ भी बोला जाए तो उसके खिलाफ चलते हैं वो बोलते हैं कि, नहीं नहीं आई डोंट वॉन्ट दैट न्यो आई डोंट वॉन्ट दैट आई वांट दिस रिबैल मतलब कि जो आपको कुछ करवाने की कोशिश करे और वो रिबैल करे तो आप जो भी आपके ऊपर अथॉरिटी है जिसके पास पावर है तो आप मना कर दें कि मैं आपकी चीज़ को फॉलो नहीं करूँगा चाहे कितनी भी आपके अंदर पावर है अथॉरिटी है हम आपकी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे सो देन यू रिबैल So the child was rebelling. टू बी परफेक्टलीमानदारी के साथ कहूँ दिस इज वन ऑफ माई पैट हेट्स का मतलब है कि ये एक ऐसी चीज है जो मैं पसंद नहीं करता हूँ जो चीजें मैं पसंद नहीं करता हूँ उनमें से ये एक ऐसी चीज है पैट हेट्स है कि ये चीज तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता दिस इज वन ऑफ माई पैट हेट्स जैसे हो सकता है कि अगर आपके सामने कोई ऐसे इस तरीके से कोई चाय पिए जैसे और आप कहेंगे कि हे कमान स्टॉप ड्राइकिंग टी एंड स्टॉप मेकिंग द नो एस दिस इज वन ऑफ माय पेट हेट्स कमेंट्स में जरूर बताएं आपका पेट हेट क्या है वोर वन ऑफ पेट हेट्स so when children rebel rebel means rebel एक वर्ब की फॉर्म है जब children rebel करते हैं fight करते हैं against authority और they refuse to obey जब वो आज्ञा मानने के लिए मना कर देते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसे आप बोल रहे हो everyone was getting infuriated by toddler's behavior because he was trying to get off the train he began having a tantrum and threw packets of wafer It wasn't a child's play for his mom to distract him by food items. As luck would have it, I came up with an idea to please him by games. As soon as I asked him to play Subway Surfers, to my surprise, he was calmer in no time. His mother thanked me profusely. Okay, so everybody. everyone was getting infuriated infuriate का मतलब है नाराज होना annoyed होना everyone was getting annoyed frustrated by toddler's behavior because he was trying to get off मतलब बच्चा बार-बार जिद कर रहा था कि मैं घर चलो घर चलो घर चलो मैं उतर जाऊंगा उतर जाऊंगा उतर जाऊंगा it was like that right सो ही बिगेन हैविंग टेंट फ इस तरीके का मतलब दिखावा ड्रामा और परेशान करना एंड थ्री पैकेट ऑफ वेफर वेफर एक बिस्किट्स uh, का टाइप होता है एग्जैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेक इन सो इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी होता है वेफर सो इट वॉज इन अ चाइल्ड्स प्ले मतलब ये कोई आसान नहीं था वॉज अ चाइल्ड प्ले इसकी जगह पर आप पीस ऑफ केक भी बोल सकते हैं बट दिस इज समथिंग मोर डिफरेंट ओके जैसे आप कई बार बोलते हैं कि अरे ये तो मेरे बाई हाथ का खेल है इट्स 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 आई आई कैन से दैट अ चाइल्ड प्ले फॉर मी इट वॉज अ चाइल्ड्स प्ले सो कॉमेंट्स में जरूर बताएं आपके लिए चाइल्ड प्ले क्या है क्या कुकिंग आपके लिए चाइल्ड प्ले है क्या ड्राइव करना चाइल्ड प्ले है क्या रीडिंग करना चाइल्ड्स प्ले है और क्या आपके लिए चाइल्ड्स प्ले नहीं है सो इट वॉज न चाइल्ड प्ले फॉर हिज मम टू डिस्ट्रैक्ट मतलब वो डिस्ट्रैक्ट उसका ध्यान जो है वो किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी बाई फूड आइटम्स की बेटा ये खा लो ये खा लो ये खा लो ये खा लो luck लक have इट As luck would have it, when you say that, this means that by chance. Oh my God, अच्छी के साथ by chance ऐसा as luck would have it. जैसे अगर आप कहें कि मैंने ये task to prepare किया था या फिर मैंने मेरी जो listening थी मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन listening मतलब slow आ गई थोड़ी so as luck would have it. या फिर speaking का मेरा ये cue card जो था आज जैसे मैं cue card prepare कर रहा हूँ so ये cue card जो था मैंने prepare किया था प्रॉपर सो so मुझे वही क्यू कार्ड आ गया एज लक वर्ड है Have it by chance as luck would have it I came up with an idea to please please jump please please him by games as soon as I asked him Jesse suffers uh I'm not sure about subway suffers game but I just heard it make sure that uh, this is I mean correct so if in case like I made any error here so then प्लीस क्रैक्स में सफर आई गेस मैंने सुना है कि ऐसी कोई गेम होती है नहीं तो आप यहाँ पर कुछ चेंज भी कर सकते है, suffers, भी हैं अपने हिसाब से सफर टू माई सरप्राइज जब यह बोलते हैं टू माई सरप्राइज दिस मीन्स की टू माई सरप्राइज मीन्स ओ माई गॉड मुझे मुझे सरप्राइज मिला टू माई सरप्राइज यू सेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज प्रपेयरिंग फॉर अर्स एग्जाम एंड वो हमेशा अपनी क्लासेस को बंग किया करता था या किया करती थी और उसकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी टू माई सरप्राइज हि गई सर इन अगर जैसे ही मैंने उसको बोला गेम खेलो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आजकल फूड आइटम से नहीं मानते हैं गेम दे दो साथ के साथ चुप कर जाते हैं मैंने ट्राई किया पर्सनली हेम फैंक्स मी परफ्यूज लाइक इफ समय You profusely means thank you, sir. thank you, thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Th thank you, thank, thank you, so much. So, when somebody thanks you profusely, this means that the person thanks over and over again. Indeed, it was an absolute nightmare to be perfectly frank. I loathed that stroller and I couldn't stand his behavior. I wish I could teach him how to behave in public indeed means such much it was an absolute nightmare jabi ab kum bolna kiya bhagat bhura experienced that experience naitha so you can use this line just try to show complex and try to show as much as different language you can try to show uncommon language to the examiner to be perfectly frank pura frank okka ab kum bolna kiya many person nihika looted this means i hated the toddler and i couldn't stand couldn't stand when you say that that in the past that you did not like it. I couldn't stand his behavior. I wish I could teach him. I wish Kikash may kuch sikasakta ki, but i have in kendar. So alright guys, so in case that you have not subscribed to my channel, don't forget to subscribe and we also provide online IELTS classes and my WhatsApp number is on the screen. Once again, thank you so much for watching this video and stay tuned.